इंदौर जिले में चोर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि एमआईजी थाना क्षेत्र के पौश कॉलोनी में 8 घरों के ताले तोड़े गए और 2 घरों से लाखों का सामान, ज्वेलरी सहित नकदी लेकर ये चोर फरार हो गए। 2 बदमाश सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस इन चोरों को नहीं पकड़ पाई है। इन वारदातों से पुलिस के रात में गश्त करने पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार पुलिस किस तरह से रातों में गश्त कर रही है। आपको बता दें कि चोरों ने श्रीनगर कॉलोनी में स्थित पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुरेश सेठ के घर सहित 8 घरों को अपना निशाना बनाया और साथ ही एक फैक्ट्री संचालक और एक वकील के घर में स्प्रे डालकर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी हुई। चोरी घटना का कब पता चला आपको? सुबह। क्या क्या गया आपके घर से? चांदी की थालियां थी, पूरा सेट था, गिलास कटोरियां पूरी, करीब 6-7 किलो के थे। पुरानी चांदी की थी, बहुत बड़ी बड़ी थालियां थी। और उसके अलावा? इसके अलावा 10,000 और कुछ 500-600 रुपये कैश यहाँ रखा था, वो गया। थोड़ी सोने की ज्वेलरी यहाँ से गई। लगभग कितने का अमाउंट होगा लगभग ज्वेलरी और वो सब मिला के? चांदी मिला के 5-6 लाख के बीच। आपके यहाँ कितने की चोरी हुई है? 50,000। आपको कब पता चला ये चोरी वगैरह घटना? सुबह 7 बजे के आसपास। क्या क्या गया आपके यहाँ से? 20-25 हज़ार के गए, बाकी 20-25 हज़ार के चांदी और छोटी 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 अंगूठियाँ थी। आस पड़ोस में कितने घरों में प्रयास हुआ था चोरियों का? वही 8-8 घरों में हुआ, 4-5 अपने इधर और 4-5 उधर। आपके पड़ोस में भी यहाँ पे भी किसी वकील साहब के यहाँ भी चोरी हुई है? हाँ, बस वही वकील है ना। कितने की चोरी हुई लगभग, मतलब ओवरऑल मिला के? 5-6 लाख के आसपास।